हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम ऑफ आवर स्कूल नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर सेवन ऑफ योर साइंस बुक द नेम ऑफ़ द चैप्टर इज़ वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट ओके सो लेट स्टार्ट डू यू रिमेंबर द थिंग्स दैट यू वर आज टू पैक वैन यू वर हीडिंग फॉर अ हिल स्टेशन आपने कभी याद किया है कि जब भी आप हिल स्टेशन पर गए हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या क्या, क्या सामान पैकिंग करते हैं वेन द स्काई इज़ क्लाउडी योर पेरेंट्स इनस्टिट दैट यू कैरी एन एम्ब्रेला अगर आपका जो पेरेंट्स हैं आपके जो पेरेंट्स हैं वो कहते हैं अगर मौसम कैसा है क्लाउडी है तो क्या बोलते हैं कि हमें हमारे लगेज के साथ हमें एम्बरेला भी रखना हैव यू हर्ड एल्डर्स इन योर फैमिली डिस्कस द वैदर बिफोर प्लानिंग अ फैमिली फंक्शन आपने कभी सुना है अपने बड़ों को कि जब भी कोई फैमिली फंक्शन की तैयारी करते हैं तो वो मौसम के अकॉर्डिंग वो करते हैं कि मौसम किस कैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग वो फैमिली फंक्शन की प्लानिंग करते हैं यू मस्ट हैव हर्ड द एक्सपर्ट डिस्कसिंग द वैदर बिफोर द स्टार्ट ऑफ अ गेम और हमने ये भी सुना है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम कोई भी गेम होता है ऑर्गेनाइज करते हैं बड़े बड़े एक्सपर्ट्स तो वो क्या करते हैं वेदर मौसम के बारे में जानकारी लेने के बाद ही किसी भी गेम को ऑर्गेनाइज करते हैं हैव यू एवर why आपको कभी ऐसा सुनकर अचंपा हुआ हुआ होगा कि ऐसा क्यों करते हैं द वैदर में दैट डे हमें ये पता है कि वेदर मौसम हमारे जीवन पे हमारे गेम्स में हर तरह में एक भूमिका निभाता है अलग तरह की और हमारी जो डेली एक्टिविटीज हैं वो भी हमारे मौसम के ही वो प्लान की जाती हैं

क्लाइमेट क्या होता है और इसका हमारी लाइफ पर क्या इफेक्ट पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग कुछ एनिमल्स के बारे में भी हम पढ़ेंगे कि उनका अबाउट द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड द रेनफॉल ड्यूरिंग द पास 24 फोर आवर्स हमने हमारे डेली रिपोर्ट के अंदर पढ़ा होगा कि मौसम के अकॉर्डिंग हमें वेदर कैसा है टेम्परेचर कैसा है रेनफॉल कब होने वाली है ट्वेंटी फोर आवर्स की इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है इट ऑल्सोड द वेदर फॉर द डे ह्यूमिडिटी एज यू माइट नो इज अ मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन एयर आपको पता होगा ह्यूमिडिटी यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं आर्द्रता ये क्या होता है मेजर ऑफ द मॉइस्चर इन द एयर हवा के अंदर कितना मॉइस्चर है ये उस पर डिपेंड करता है इसके अकॉर्डिंग एक एक्टिविटी आपको करनी है और यहाँ पर है ये जो बूझो है ये कह रहे हैं आई वंडर हु प्रिपेयर्स दिस रिपोर्ट मैं ये सोच रहा हूँ ये रिपोर्ट्स कौन तैयार करता है तो ये तैयार करता है हमारे मेटोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो होता है वो सारे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी ये सारी वेदर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं ये आपको एक एक्टिविटी करनी है इस एक्टिविटी के अकॉर्डिंग आपको न्यूज़पेपर अगर आपके घर पर आते हैं तो न्यूज़पेपर के अंदर नहीं तो आप न्यूज़ चैनल के अंदर रेगुलरली आपको सेवन डेज का इसमें डाटा तैयार करना है ठीक है और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या है मिनिमम टेम्परेचर क्या है ओके okay? तो इसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट तैयार करनी है देखिए नेक्स्ट पेज पे ये टेबल है ये टेबल दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पे इस टेबल के अकॉर्डिंग आप इसमें तैयार करेंगे देखिए टेबल के अंदर क्या है डेट लिखनी है आपको मैक्सिमम टेम्परेचर मिनिमम टेम्परेचर मिनिमम ह्यूमिडिटी मैक्सिमम ह्यूमिडिटी और रेनफॉल इन एम एम ओके तो ये सारी रिपोर्ट आपको सेवन डेज की प्रिपेयर करनी है नेक्स्ट हम लेते हैं ये जो वेदर है इसकी एक्चुअली डेफिनेशन क्या है ये डेफिनेशन आपकी देखिए लिखी है ब्लैक वन से अंडरलाइन किया हुआ है ये हाईलाइट किया है द डे टू डेट कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस विद रेस्पेक्ट टू द टेम्परेचर ह्यूमिडिटी रेनफॉल विंड स्पीड इज कॉल्ड द वेदर एट दैट प्लेस मौसम क्या होता है दिन प्रतिदिन की जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो मौसम है उसके अकॉर्डिंग वहाँ का टेम्परेचर वहाँ की ह्यूमिडिटी रेनफॉल और विंड स्पीड हवा की स्पीड क्या है वो मौसम को निर्धारित करते हैं और किसी भी जगह के वेदर को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट्स भी आपके लिखे हुए हैं देखिए टेम्परेचर ह्यूमिडिटी एंड अदर फैक्टर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट ऑफ द वेदर एंड द वैदर ऑफ अ प्लेस चेंजेस डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक जो मौसम होता है वो दिन और वीक कुछ हफ्तों में भी चेंज होता रहता है दैट इज़ वाई वी ऑफ़न से टूडे इज़ वैदर इज़ टू ह्यूमिड और द वैदर वॉज वाम लास्ट वीक इसीलिए हम कभी कभी कहते हैं कि आज का मौसम तो बहुत ही है बहुत आदरता है आज के मौसम में और कहते हैं लास्ट वीक जो हो बहुत गर्म मौसम था ओके सो वेदर इज सच कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन दैट इट कैन वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वेदर एक इतना कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है जो कि थोड़े समय के लिए ही रहता है और वो कभी कभी चेंज होता रहता है कभी मौसम सनी होता है कभी क्लाउडी होता है कभी बारिश होती है ठीक है कभी बहुत ज्यादा बारिश है कहीं एकदम से धूप निकाल आती है तो ये सारा एक्सपीरियंस आपने किया होगा ओके okay, तो इसीलिए हम कहते हैं ये जो मौसम है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है एंड इट इज़ नॉट इजी टू प्रडिक्ट और इसको हम इजीली प्रडिक्ट नहीं कर सकते ओके okay? यहाँ आपको नेक्स्ट पेज पे दिया है ये जो है, okay, देखे ग्राफ है ओके देखिए ग्राफ देखिए आप ये जो ग्राफ है ये ग्राफ हमें बता रहा है कि ये जो टेम्परेचर इसमें दिया है ये थ्री अगस्त टू टू थाउजेंड अगस्त सिक्स एट शिलोंग शिलोंग मेघालया का ये वेरिएशन बताया हुआ है देखिए यहाँ पे लिखा है मैक्सिमम टेम्परेचर डेट भी दी हुई है कि थर्ड अगस्त से इनका नाइन्थ अगस्त तक का लिया हुआ है मिनिमम टेम्परेचर उन्होंने ग्राफ प्रिपेयर किया है तो ये ऐसे आप ये ग्राफ प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर है बूझो कहता है आई वॉन्डर वाई वेदर चेंजेस सो फ्रिक्वेंटली मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि मौसम कैसे चेंज होता है और पहली कहती है वट इज द सोर्स ऑफ वेदर इन द फर्स्ट प्लेस वेदर का क्या सोर्स होता है सो देर आर स्पेशल थर्मामीटर फॉर दिस पर्पज तो इसके लिए मौसम की आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेशल थर्मामीटर होते हैं कुछ है maximum और minimum thermometer. इसलिए आपने देखा होगा कि मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर लिखा होता है कि मैक्सिमम टेम्परेचर क्या होता है आफ्टरनून में क्या है और मिनिमम टेम्परेचर कब नोटिस करते हैं हम अर्ली मॉर्निंग ठीक है और मैक्सिम कब नोटिस करते हैं आफ्टरनून के टाइम पे ओके okay. नेक्स्ट हम लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्लाइमेट ओके जिस्ट हैं वो जो वेदर है उसका रिकॉर्ड रखते हैं और सेवरल दिन के अकॉर्डिंग यानी कि जो भी उन्होंने प्रिपेयर किया रिकॉर्ड उसके अकॉर्डिंग वो एवरेज पैटर्न निकालते हैं और जो एवरेज पैटर्न होता है किसी भी जगह का पच्चीस साल तक उसको वो उसकी क्लाइमेट निर्धारित करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है इसीलिए डेफिनेशन भी यही लिखी हुई है कि द एवरेज पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग टाइम से ट्वेंटी फाइव ईयर्स इज कॉल्ड द क्लाइमेट ऑफ दैट प्लेस और वो वहाँ की क्लाइमेट कहलाती है इसीलिए आपने कभी देखा होगा कि जम्मू कश्मीर की क्लाइमेट कैसी है वहाँ का क्लाइमेट कैसा होता है ठंडा होता है ओके और अगर हम बात करें केरला की तो केरला में क्या है बहुत ही भी पड़ती है ठीक है तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हुए हैं तिरुवंतरमपुरम केरला का ठीक है यहाँ पे श्रीनगर और जम्मू कश्मीर का दिया है आपको सेवन पॉइंट टू में और ये त्रिवेंद्रम का केरला का दिया है ठीक है तो दोनों आप देखिए इसमें देख टैली करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ का टेम्परेचर कितना है और वो वहाँ की क्लाइमेट को आइडेंटिफाई करते हैं कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी है ओके नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट पेज पर देखिए हम यहाँ पे लिखा है कि हॉट एंड ड्राई मौसम कैसा है और वेट कैसा है तो आपने ये भी देखा होगा कि राजस्थान का एग्जाम्पल लिया है किसके अंदर कि राजस्थान के अंदर भी हम देखेंगे टेम्परेचर बहुत हाई होता है ओके पूरे साल भर बट ड्यूरिंग विंटर विंटर के समय पे वहाँ पर क्या होता है कुछ महीनों के लिए टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो इसीलिए वहाँ का हम टेम्परेचर हॉट एंड ड्राई टेम्परेचर कहते हैं वहाँ का डेजर्ट कहते हैं टिपिकल डेजर्ट क्लाइमेट है वहाँ का ठीक है और कभी कभी हम कहते हैं कि वहाँ का नॉर्थ ईस्ट का जो टेम्परेचर है वो कैसा है वेट है ओके नेक्स्ट हम लेते हैं क्लाइमेट एंड अडेप्टन क्लाइमेट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एनिमल अपने आप को अडेप्ट करते हैं उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे यहाँ पे हमने फर्स्ट हम लेंगे यहाँ पे द पोलर रीजन पोलर रीजन के अंदर हमने एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दो एग्जाम्पल दिए एक पेंगविन का एग्जाम्पल दिया है हमने और एक पोलर बियर का लिया है ठीक है तो पहले हम पढ़ते हैं पोलर रीजन का अडेप्टेशन कहाँ से कौन से एनिमल्स हैं

जो टेम्परेचर है यानी कि जो मौसम है जो सन है वो दिखता है और छह महीने बिल्कुल नहीं दिखता है इन विंटर्स द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस और जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है ठंड so, के टाइम माइनस थर्टी सेवन सो द एनिमल्स लिविंग एंड लेट एस सी हाउ दे आर अडेप्टेड बाई कंसिडरिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलोबियर एंड हम पोलर बियर और पेंगुइन का एग्जांपल लेके पढ़ेंगे लेट्स स्टार्ट द पोलो बियर वाइट फर So that they are not easily visible in the snowy white background. आपने देखा होगा जो पोलर बियर होता है पूरा व्हाइट फर होता है इसीलिए वो इजीली स्नो जो व्हाइट बैकग्राउंड होता है स्नोई वाला उसमें वो नहीं दिख सकता है इट प्रोटेक्ट देम फ्रॉम देयर प्रिडिटेटर तो जो उनके प्रिडिटेटर उससे होते हैं उससे वो बच जाता है एंड इट ऑल्सो हेल्प दैन इन कैचिंग देयर प्रे और वो अपने प्रे को पकड़ने के लिए भी हेल्पफुल होता है इसीलिए उनकी बॉडी व्हाइट कलर की होती है एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सट्रीम कोल्ड इतना ज्यादा ठंड पड़ती है तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए उनकी जो फर की लेयर होती है वो टू थिक होती है दो लेयर होती है उनकी फर की दे ऑल्सो हैव अ लेयर ऑफ फैट अंडर देयर स्किन और उनके स्किन के नीचे बहुत ज़्यादा फैट भी इकट्ठा होता है इनफैक्ट दे आर ऑल्सो सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड और ज़्यादा ओवर हीटेड ना हो इसलिए उनका जो वेल well इंसुलेटेड उनकी बॉडी होती है इस प्रकार की नेक्स्ट है फिजिकल एक्टिविटीज ऑन वार्म डेज नेसेसिटी कूलिंग सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग और जो फिजिकल एक्टिविटीज के लिए कभी कभी मौसम गर्म होता है तो वो अपने स्विमिंग करने जाते हैं इट इज अ गुड स्विमर वो बहुत अच्छा स्विमर भी होता है ओके okay. देखेंगे हम बहुत अच्छा स्विमर है यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको एंड इट इज अ गुड स्विमर इट पॉज आर वाइड एंड लार्ज विच हेल्प इट नॉट ओनली टू स्विम वेल बट ऑल्सो विद वी इज इन द स्नो ऐसा नहीं चलने में भी नहीं और वो उसको वॉक करने में भी स्विम करने में भी उसके जो पंजे होते हैं बहुत चौड़े चौड़े होते हैं इजिली वो उसमें स्विम कर सकता है वेल स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट नोस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन जब वो स्विमिंग करता है तो पानी के अंदर वो काफ़ी समय तक रह सकता है अपनी नोस्ट्रिल को क्लोज करके इट हैज अ स्ट्रॉग सेंस ऑफ स्मेल सेंस ऑफ स्मेल होती है बहुत स्ट्रांग होती है सो दैट इट कैन कैच इट्स फॉर फूड इसीलिए वो अपना खाने के लिए जो फूड है वो अपने प्रे को पकड़ लेता है एंड वी कैन अंडरस्टैंडेशन ऑफ पोलर बियस विद फ्लो चार्ट के अकॉर्डिंग भी हम देखेंगे कि वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करता है देखिए यहाँ पे इसकी देखो व्हाइट है, फॉर है ना इसलिए स्नोई बैकग्राउंड से बचा लेता है उसको इस प्रेडिटेटर एंडबल टू सीट व्हाइट फॉर इसका इसलिए भी हेल्प करता है इसकी देखिए जो बॉडी है वो थीक होती है ठीक है तो उसको किससे बचाती है वार्म क्लाइमेट उसको कोल्ड वाटर से बचाती है जो फैट होता है उसकी बॉडी को वो ठंडा रखता है ठीक है इट हैज़ अ लेयर ऑफ फैट अंडर इट स्किन इट हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल उसकी स्मेल बहुत अच्छी होती है सूंघने की ताकत बहुत अच्छी होती है इट हेल्प द बियर टू कैच कैथेट स्प्रे तो ईजिली जो उनका जो प्रे होता है उसको ईजिली वो कैच आउट कर लेता है द लॉन्ग कर्व्ड शार्प क्लोज होते हैं उसके एंड दिस हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस तो वो जो क्लोज होते हैं पंजे होते हैं वो उस पर आइस पे उसको मूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं ठीक है नेक्स्ट है पेंगुइन का एग्जाम्पल कि पेंगुइन जो होते हैं वो क्या करते हैं आर ऑल्सो गुड स्विमर वो भी बहुत अच्छे स्विमर होते हैं देयर बॉडीज आर स्ट्रीम लाइन एंड देयर फिट गुड स्विमर ठीक है उनके जो पंजे होते हैं वो भी बहुत चौड़े होते हैं वो इजीली स्विम करने में उसको हेल्प करते हैं अदर एनिमल्स लाइंग इन द पोलर रीजन आर मैनी टाइप्स ऑफ फिश इसके अलावा भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं वो वहां पर रहते हैं पोलर रीजन के अंदर जैसे कि फिशेज है मस्क ऑक्सन है रेंडियर्स है फॉक्सिस है सील्स है वेल्स है बर्ड्स है ओके एंड इट कैन बी नोटेड दैट वाइल्ड फिश कैन रिमेन अंडर वाटर कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग बर्ड्स मस्ट रिमेन वार्म टू सरवाइव तो जो काफी समय तक वहाँ पर वो सर्वाइव कर सकते हैं एंड दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वैन विंटर सेट इन जब विंटर आता है तो वहाँ से वो माइग्रेट कर जाते हैं ओके okay? दे कम बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर जैसे ही विंटर सीजन खत्म हो जाता है वापस से वो आ जाते हैं इसका एग्जाम्पल है साइबेरियन क्रेन साइबेरियन क्रेन साइबेरिया से आती है भरतपुर राजस्थान के अंदर जो बर्ड सेंचुरी है वहां पर आती है और सुल्तानपुर इन हरियाणा ओके वहां पर आती है वो और कुछ नॉर्थ ईस्ट के एरियाज में भी ये जो वा... साइबेरियन बर्ड्स हैं ये आती हैं और वापस खत्म हो जाता है जैसे विंटर सीजन वापस से वो लौट जाते हैं नेक्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कि जो एनिमल्स है, होते हैं वो कैसे अपने आप को अडेप्ट करते हैं लेट्स स्टार्ट द टॉपिक द ट्रॉपिकल रीजन हैव जनरली अ हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर जो ट्रॉपिकल रीजन होता है वो उसका जो क्लाइमेट है बहुत ज्यादा हॉट होता है क्योंकि वो इक्वेटर लाइन के आसपास रहता है इवन इन द कोल्डेस्ट मंथ द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस एंड ज्यूरिंग हॉट समर द टेम्परेचर मे क्रॉस फोर्टी डिग्री सेल्सियस एंड डेज एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन लैंड थ्रू आउट द ईयर एंड दीज रीजन गैट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल वहां का जो दिन और रात का मौसम एक जैसा ही रहता है ज्यादातर और बहुत ज्यादा बरसात होती है इसीलिए उनको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है एंड इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस रीजन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट असाम इन इंडिया साउथ ईस्ट एशिया सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल

एग्जाम्पल दिया है आपको रेड आइड फ्रॉग का है ना पिक्चर में दिख रहा है आपको रेड आइड कलर की जो फ्रॉग है उसकी रेड आइड है और एक मंकी है न्यू वर्ल्ड मंकी ओके तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है उसके अकॉर्डिंग ये एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट करते हैं तो जो रेड आइड फ्रॉग होता है उसके फीचर्स क्या है लेट स्टार्ट रेड आइड हैज हैजल्स स्टिकी पैड ऑन इट्स फीट

कुछ जो ट्रॉपिकल एनिमल्स होते हैं उनकी बहुत ज्यादा सेंसिटिव हियरिंग पावर होती है उनकी आईज बहुत शार्प होती है उनकी स्किन कलर उनको कैमोफ्लैग कैमोफ्लैग का मतलब होता है वो अपने स्किन कलर चेंज करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रिडिटेटर है जो प्रे आता है उसके अकॉर्डिंग वो अपने आपको सराउंडिंग में सर्वाइव करने के लिए कैमोफ्लैग करते हैं दिस इज टू प्रोटेक्ट देखिटेटर से बचने के लिए वो ऐसा करते हैं इसमें एग्जाम्पल दिया आपका बिग कैट का एक कैट का एग्जाम्पल एक दिया है ओके okay, लॉयन है टाइगर है थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग पावर उनकी होती है द लॉय टेल्ड मकाउ ऑल्सो कॉल्ड बियड एप जो बियड एप है लिवस इन द रेन फॉरेस्ट वाइट कलर के ओके okay? पूरी चिंतक होती है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होता है इट इज अ गुड क्लाइंबर बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है इट स्पेंड अ मेजर पार्ट ऑफ इट्स लाइफ ऑन द ट्री उसका बहुत ज्यादा समय ट्रीप्स पर भी गुजरता है ंग लीव स्टेम फ्लावर्स एंड बर्ड्स एंड दिस बियड ऑल्सो सर्चिस फॉर इंसेक्ट अंडर दिंस इट इज एबल टू गेट सफिशियंट फूड ऑन द ट्रीज इट रियरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड वो कभी कभी ग्राउंड पर आते हैं अदरवाइज वो पूरा जो जीवन है उनका वो ट्रीज पर ही सर्वाइव करते हैं नेक्स्ट इसमें एक और एग्जाम्पल दिए आपका एलिफेंट का देखिये पिक्चर में भी दिया हुआ एलिफेंट Another well known animal of Indian tropical rainforest is the elephant. It has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways. Look at its trunk. It's trunk, it uses its uh, it as a nose because of which it has a strong sense of smell. द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाई इट फॉर पिकिंग ऑफ फूड जो ट्रंक होती है वो खाने पकड़ने के लिए भी कैच करने के लिए भी हेल्पफुल होती है मोर ओवर इट्स टर्स मोडिफाइड टीथ जो उसके टर्स दांत होते बाहर निकले होते हैं वो मोडिफाइड टीथ होते हैं दीज कैन ट बार्क ऑफ ट्रीज दिलीफेंट लव ट वो क्या करते हैं जो तना होता है, है ना ट्रीज का तना होता है उसको खाने के लिए वो उसमें हेल्पफुल होते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है सो द एलिफेंट इज एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड अरादर वेल ओके एंड लार्ज ईयर जो बड़े बड़े कान होते हैं एलिफेंट के वो क्या करते हैं हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड अगर हम बहुत ही धीरे से बात करते हैं तो भी उनको वो सुनाई देता है दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट और वो उसको ठंडा रखने में भी जो हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर होता है उसके रखने में भी उसको हेल्पफुल होते हैं ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस चैप्टर के अंदर जो भी हमने एनिमल्स के अडेप्टशन पढ़े वो रिपीट करेंगे आप चैप्टर रिवाइज़ करेंगे थैंक यू फॉर लिसनिंग मी